तो बिल्कुल सही कहा, मैं खास कहता था, खास की बारी आएगी, जो खास नहीं रहा। तो खास जनरल फैज भी थे और छोटे मोटे खास समेत अभी बहुत सारी चीजें उनकी बारी आनी है। इन्होंने बगावत मुल्क के साजिश की है और ये अकेले नहीं है इसमें, पानी पीटीआई पीटीआई और कुछ मुल्क के बाप बने हुए जो बौने हैं, ये पाकिस्तान का ऐसा बुत ताकतवर गिराया गया है, इसका सारा क्रेडिट आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देंगे। मैं ये एड्रेस होने जा रहा है कैसे 9 मई में जनरल फैज का क्या ताल्लुक है? 9 मई में आपको फैज का ताल्लुक मिलेगा, इमरान खान साहब का ताल्लुक मिलेगा, आपको अरशद शरीफ का कत्ल खुलते हुए नजर आ रहा है, शहीद का हमारे दोस्त। 9 मई में आप कह रहे हैं जनरल फैज का ताल्लुक मिलेगा, ये बड़ा सीरियस इल्जाम आप आयद कर रहे हैं। उनको कोर्ट मार्शल तो क्या, ऐसे लोगों को कोड़े भी मारने चाहिए। तो अभी तो ये तमाशा शुरू हुआ है और ये अकेले फैज अमीर साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें अभी आपको बहुत सारी चीजें मिली। आपने कहा कुछ छोटे मोटे और खास भी है, आपने कहा वो क्या फौज के और लोग पकड़े जाएंगे? रेलेवेंट है ना, देखिए छोटे मोटे तो हमारे और आपके लिए इररेलेवेंट है।